की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो अपने घर यून पैलेस में आ चुकी होती है और उसके हाथ में वही जेट पेंडेंट होता है और वो लिंग चुआन की बातों को याद कर रही होती है कि उसने उससे शादी इसलिए क्योंकि वो उससे लाइक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर यांची आ जाता है और जो किन्यू है वो उसी जेट पेंडेंट को छुपा देती है, जिसके बाद जो यांची है वो पूछता है किन्यू से कि आखिर वो क्या सोच रही है। और जो किन्यू है वो कहती है कि मैं किसी के लिए फीलिंग्स रखती हूँ। और जो किन्यू है वो लिंग चुआन के साथ अपने सारे फ्लैशबैक को याद करती है, जिसके बाद जो यांची है वो बताता है कि अगर हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। जब वो खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं और जब वो दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं। और इन सब बातों को सुनकर जो किन्यू है वो लिंग चुआन को ही याद कर रही होती है और वो यांची के साथ के सारे फ्लैशबैकों को याद करती है, उसकी मैरिज का और उसके कन्फेशन का। और जो यांची है वो सोचता है कि वो हमेशा से किन्यू के साथ ही रहा है, काश वो हमेशा उसी के साथ रहे। जिसके बाद जो यांची है वो एक फ्लैशबैक को याद करता है अपने मास्टर के साथ और वो अपने मास्टर को कहता है कि आप मुझसे एक डील कर लीजिए एंड मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप किन्यू को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। और जो मास्टर है वो कहता है कि तुम मुझे ये सारी बातें करके डिसअपॉइंट कर रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो? और ये सारी बातें जो है वो प्रेजेंटली यांची सोच रहा होता है। जिसके बाद यांची कहता है कि क्या हम कहीं और जाके नहीं रह सकते? लेकिन जो किन्यू है वो कहती है कि हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास रहने की और कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई किन्यू पर हमला कर देता है और किन्यू के बचाने के चक्कर में जो यांची है उसे वो चोट लग जाती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक ड्रेस में लोग आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जो यांची है वो उन लोगों से फ़ाइट करता है लेकिन वो उस फाइट में हारने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ब्लैक मास्क में एक पर्सन आता है और उन लोगों से फ़ाइट करने लगता है, जिसके बाद वो यांची को कह देता है कि किन्यू को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो किन्यू है वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिंग चुआन है। और उन दोनों के जाने के बाद जो लिंग चुआन है वो सभी लोगों से लड़ता है और सभी को मार देता है। लेकिन उनमें से एक पर्सन जो है लिंग चुआन पर भी स्टार से अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी जो लिंग चुआन है वो सभी लोगों को मार देता है और उनमें से एक पर्सन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुजिन आ जाता है और वो उस पर्सन का मास्क हटा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि कंसीडर लुई का वो सर्वेंट होता है जिसने किन्यू पर हमला कराया होता है। जिसके बाद जो मुजिन है वो उसे जेल में ले जाता है और लिंग चुआन जो है अपना मास्क हटाता है और वो वाकई ही लिंग चुआन होता है। लेकिन वो स्टार लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू का जो एक फिजिशियन को लेके आई होती है यांची को चेक करवाने के लिए, और जो फिजिशियन है वो बताता है कि इसे एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला पॉइजन लगा है और जिस वजह से इसका जो जहर है वो इसके हार्ट तक पहुँचने वाला है, अगर इसे एंटीडोट नहीं मिला तो ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि आप इसे एंटीडोट देके ठीक कर दीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगी। लेकिन जो फिजिशियन है वो बताता है कि ये एंटीडोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और ये सिर्फ योर हाइनेस के पास है, उनके अलावा ये एंटीडोट किसी को नहीं दिया जाता और जब तक ये एंटीडोट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची के पास आती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट लेके आऊँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कंसीडर लुई का, एंड मैं पिछले एपिसोड में बताना भूल गई थी कि जो कंसीडर लुई है वो प्रेग्नेंट है, वो लिंग चुआन के फादर की वाइफ है। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है उसके पास एक सर्वेंट आती है और वो कंसीडर लुई जो है वो सर्वेंट से अपने सर्वेंट शूलिंग के बारे में पूछती है, लेकिन जो सर्वेंट है वो बताती है कि वो कल वापस आ गए थे। और ये बोलकर जो सर्वेंट है वो वहाँ से चली जाती है और जो कंसीडर लुई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन तभी कंसीडर लुई के पास लिंग चुआन आता है और वो कंसीडर लुई से कहता है कि क्या आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड शूलिंग के लिए परेशान हो रही हैं, अपने सर्वेंट के लिए इतना परेशान? ये रिलेशनशिप तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। लेकिन जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि तुम अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, तुम क्या बोल रहे हो। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो कहता है कि मैं अपने वर्ड्स पे ध्यान दूँ? क्या आप सच में शूलिंग के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है? क्या वो आपके होम टाउन से नहीं है? वो आपका फ्रेंड नहीं है? वैसे तो आपका उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा वाला रिलेशनशिप है, क्या मैं सही हूँ? लेकिन तभी वहाँ पर यो मैजिस्ट्री है, उनके आने की अनाउंसमेंट होती है और यो मैजिस्ट्री के आते ही जो कंसीडर लुई है वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और कहती है कि क्राउन प्रिंस जो है वो कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो कहता है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, मैंने शूलिंग को ढूंढ लिया है और वो खुद आपको बता देगा। कंसीडर लुई जो है वो अभी प्रेग्नेंट है, इसीलिए जो पानी के नीचे सांस रोक सकता है इनका सबसे खास नौकर शूलिंग, उन्होंने ये हिडन प्लान बनाया और किन्यू को मारने की कोशिश की। जिसके बाद जो मैजिस्ट्री है वो कंसीडर लुई से पूछते हैं, लेकिन जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शूलिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिसके बाद जो मैजिस्ट्री है वो कहते हैं कि तुम्हारा शूलिंग से क्या रिलेशनशिप है? लेकिन जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि मैं कसम खा के बोलती हूँ, जो शूलिंग है मेरा सर्वेंट वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सर्वेंट है, उससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है मेरा।
वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड ज़रूर है, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो शूलिंग को अंदर बुलाता है, और जो यो मैजेस्टी का जो सर्वेंट है वो आके बताता है कि शूलिंग ने अपने सभी गुना कबूल कर लिए हैं। और ये सुनकर जो कंसिडर लुई है वो भी हैरान होती है, और जो यो मैजेस्टी है वो उसे पनिशमेंट के तौर पर कोल्ड पैलेस भिजवा देते हैं। जिसके बाद जो दो सैनिक आते हैं कंसिडर लुई को कोल्ड पैलेस ले जा रहे होते हैं, लेकिन जो कंसिडर लुई है वो यो मैजेस्टी से माफ़ी मांग रही होती है। जिसके बाद जो शूलिंग है उसे भी वहाँ से ले जाया जाता है, और जो यो मैजेस्टी है वो लिंग चुआन को कहते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं दिखाया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। और फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि जो लिंग चुआन है उसी ने यो मैजेस्टी को पहले से इस सब के बारे में बता दिया था, और ये सारा कुछ अपनी आँखों से देखने के लिए कहा था। जिसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है कि योर मैजेस्टी जो है वो कहते हैं कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन जो लिंग चुआन है वो कहता है कि मैं बस किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद जो मैजेस्टी कहते हैं कि किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कहीं तुम खुद पर ही रिग्रेट ना करने लग जाओ, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो लिंग चुआन है उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसे भी वो पॉइजनस स्टार लगा था, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूँगा। जिसके पास सीन दिखाया जाता है लिंग चुआन का, जिसके पास एक फिजिशियन होता है, वो उसी स्टार को चेक कर रहा होता है और उसे बताता है कि इसमें शाइन स्नेक का पॉइजन है और ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला है। लेकिन योहानस काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि अभी उसका एक एंटीडोट फिजिशियन के पास है, और अभी ये एंटीडोट और कहीं पे भी नहीं है, और उस एंटीडोट को वो लिंग चुआन को दे देते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किन्यू आ जाती है, और वो लिंग चुआन को बताती है कि जो यांची है उसे पॉइजनस स्टार लगा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसे एंटीडोट की ज़रूरत है, और एंटीडोट जो है वो सिर्फ जो मैजिस्ट्री के लिए है, तो क्या तुम मुझे वो एंटीडोट दे सकते हो। लेकिन जो लिंग चुआन है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं उसे एंटीडोट क्यों दूँ। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है वो सिर्फ अकेला ऐसा है जिस जो मेरी फैमिली में है, मुझे तुम वो एंटीडोट दे दो। और ये सुनकर जो लिंग चुआन है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यांची ही सब कुछ है ना। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं बस उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जो लिंग चुआन है वो एंटीडोट देने से मना कर देता है। जिसके बाद किन्यू कहती है कि उस एंटीडोट के बदले में तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। जिसके बाद लिंग चुआन कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बस लोगों को चुप करवाने के लिए तुमसे शादी की थी, और अब जो मेरा गोल था मैं उसे अचीव करने वाला हूँ। तुम्हें तो वैसे भी दूसरों की ही पड़ी होती है, तुम आसानी से किसी के पास भी चली जाती हो। और ये सुनकर जो किन्यू है वो लिंग चुआन को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जो लिंग चुआन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अभी जब वो इंजर्ड है तो तुम मुझसे उसके लिए एंटीडोट लेने आ गई, इतनी ज़्यादा फिक्र है तुम्हें उसकी। और ये सब सुनकर जो किन्यू है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद जो किन्यू है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो लिंग चुआन है उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँगा, मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ, कोई भी इतनी आसानी से मेरा दिल जीत सकता है। जिसके बाद वो किन्यू को और भी बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलता है, और ये सब सुनकर जो किन्यू है उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। और किन्यू को इस तरह देखकर जो लिंग चुआन है वो पूछता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद वो उसे अपनी तरफ राउंड करता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम खुद पर रिग्रेट करोगी कि तुमने मुझसे प्यार किया और किस तरह मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। और ये सब बोलते हुए जो लिंग चुआन है उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और ये सब सुनकर जो किन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वो किन्यू को छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, और किन्यू के जाने के बाद जो लिंग चुआन है उसे खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर मुजिन आता है और वो मुजिन को वो एंटीडोट दे देता है और कहता है कि इसे यांची को दे देना और मेरे लिए एक फिजिशियन बुलाओ। और जो मुजिन है वो कहता है कि यांची जो है वो आपका राइवल है, आप उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जो लिंग चुआन है वो उसके ऊपर गुस्सा करके उसे वहाँ से भेज देता है, लेकिन एंटीडोट ना लेने की वजह से जो लिंग चुआन है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू जो है वो लिंग यांची के लिए सूप बना रही होती है, और फिर तभी वहाँ पर मुजिन आता है और वो अपनी आवाज़ बदल कर बोलता है कि जो लिंग चुआन है वो यहाँ पे आ रहा है। और जो किन्यू है वो सोचती है कि क्या पता लिंग चुआन ने अपना मन बदल दिया और वो मुझे एंटीडोट दे दे, और ये सोच कर वो वहाँ से चली जाती है। और किन्यू के वहाँ से जाने के बाद जो मुजिन है वो वहाँ पर आता है और उस सूप में वो एंटीडोट मिला देता है। जिसके बाद जो किन्यू है वो वहाँ पर वापस आ जाती है और सोचती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी सुनने में। जिसके बाद वो उस सूप को एक बाउल में निकालती है और यांची के पास जाती है। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची को ये सूप पिलाती है, और सूप पिलाने के बाद वो वहीं बैठ जाती है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है और जो यांची है उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि जो किन्यू है वो अभी भी उसी के पास बैठी हुई है। जिसके बाद जो किन्यू है वो भी उड़ जाती है और यांची को बिल्कुल सही देख कर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो उसका हाथ चेक करती है और वहाँ पर कोई भी डार्क लाइन नहीं होती, और ये देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे किसी भी तरह की एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ी।
जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है, मैं अभी आती हूँ। और दिखाया जाता है कि जैसे ही किन्यू बाहर आती है तभी उसे कोई दिखाई देता है, जिसके बाद जो यांची है उसे किन्यू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और सीन दिखाया जाता है हमें मास्टर की गुफा का, जहाँ पर जो किन्यू है वो बेहोश होती है, जिसके बाद उसे होश आता है और वो मास्टर को देख के डर जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। जिसके बाद जो मास्टर है वो अपना मास्क हटाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि किन्यू के फादर ही होते हैं। और अपने फादर को देख कर जो किन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो बिल्कुल ज़िंदा है और सही सलामत है। और उसके फादर कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ज़िंदा है और सही सलामत है, मैं मरा नहीं हूँ। और अपने फादर को ज़िंदा देख कर जो किन्यू है वो उनके गले लग जाती है और कहती है कि उसने अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस किया। और किन्यू के फादर भी उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। जिसके बाद किन्यू कहती है कि आप फिर यहाँ पर क्यों रह रहे हो, वापस अपने घर क्यों नहीं चलते। जिसके बाद वो यांची के बारे में भी बोलती है और कहती है कि वो कहाँ पर है। और हमें दिखाया जाता है कि यांची जो है वो एक जगह पर कैद होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारा भी गया होता है। जिसके बाद जो उसके फादर है वो उसे मना करते हैं और कहते हैं कि अब और कोई क्वेश्चन मत करो, तुम आज के बाद यहीं रहोगी। लेकिन फिर भी जो किन्यू है वो कहती है कि आपकी बॉडी को कुछ लोग लेके आए थे, उसकी जो हाइट है और वो काफ़ी ज़्यादा सेम आपकी तरह ही दिखता था। और जो यांची है उसने मुझे कहा था टाइगर टैली लाने के लिए, क्या ये सारा आपका प्लान था। जिसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर यून है वो कहते हैं कि लगता है लिंगचुआन के साथ रहते रहते तुम्हें मुझ पे से ट्रस्ट हट गया है। जिसके लिए किन्यू मना करती है और कहती है कि मुझे बस ये जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद किन्यू के फादर जो है वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो 18 साल पहले की जो जितनी भी सारी कन्फ्यूज़न थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। सो अगला एपिसोड ज़रूर देखना, बिकॉज आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर होता है ख़त्म, एंड कल का जो एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड होगा।